अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चिकन कॉर्न सूप बनाने जा रहे हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही शानदार बनने वाला है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखिए, यखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 कप पानी यानी कि 2 लीटर पानी लिया है। पानी गर्म हो चुका है, इसमें अब हम चिकन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, हड्डी समेत। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह कि हम चूँकि यखनी बना रहे हैं तो हड्डियों से यखनी बहुत अच्छी बनती है। 1/2 टीस्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रेश कॉर्न लिए है 1/2 कप, इसलिए मैंने चिकन के साथ ही डाली है ताकि ये भी अच्छे से गल जाए। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो मार्केट में कॉर्न टिन में भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हल्की आंच पे हम 25 से 30 मिनट के लिए यखनी को पकने देते हैं। अब कढ़ाही में हम यखनी ढेर लेते हैं। अच्छा, देखें, हमने यहाँ पे 8 कप यखनी ली थी और अब ये 6 कप रह गई है, यानी लगभग 1/2 लीटर के करीब यखनी सूख चुकी है। अब इसे गर्म होने देते हैं। यखनी अब गर्म हो चुकी है। यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों से सूप में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चिकन मैंने निकाल के इसे श्रेड कर लिया था। यहाँ पे मैं 1 कप भर के चिकन ऐड कर रही हूँ। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना चिकन डालना चाहते हैं, आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। कॉर्न को मैंने छन्नी की मदद से छान लिया था और इसे धड़धड़ा सा पीस लिया था। कुछ दाने साबुत हैं और कुछ बारीक पीस चुके हैं। इससे सूप में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब चलिए इस पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरके की ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सोया सॉस की जाएगी। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे घोल लेते हैं। अगर आप गाढ़ा सूप पसंद करते हैं तो आप 5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ लोग इतना थिक पसंद नहीं करते तो उनके लिए 3 टेबलस्पून इनफ रहेगी। कॉर्नफ्लोर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हरी मिर्चें हमने डाली थी इनको निकाल लेते हैं। आपने सूप बनाते हुए हमेशा वुडन स्पून का इस्तेमाल करना है, आयरन या स्टील का स्पैचुला यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्टील का स्पून यूज़ करते हैं तो इससे आपका सूप थिक नहीं होता। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, तो बस आपको जितनी कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर को ऐड कर सकते हैं। मुझे चूँकि थोड़ा थिक सूप पसंद है इसलिए मैं सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि सूप में से कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें, सूप की अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई है। यहाँ पे मैं 2 अंडे ले रही हूँ, इनको अच्छे से बीट कर लेते हैं। इन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके सूप में ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर आप इकट्ठा अंडा डाल देंगे तो उससे ये थिक हो जाएगा और गांठें बन जाएंगी, जिससे सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने सूप को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अंडा अच्छे से पक जाए। अंडा अच्छे से पक चुका है। एंड पे मैं इसमें 2 टीस्पून सीजमी ऑयल यानी के तिल का तेल डाल रही हूँ। तिल का तेल शामिल करने से सूप का बहुत परफेक्ट टेस्ट इन्हेंस होता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और ये देखिए, सूप पे कितनी अच्छे से शाइन आ गई है। हमारा सूप अब रेडी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सूप रेडी हुआ है। सूप में हमने स्पाइसेस माइल्ड रखी थी, इसलिए हम इसे 3 सॉसेस के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने चिली सॉस में सिरका और थोड़ी धड़ा मिर्च ऐड की है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। साथ सोया सॉस है और सिरके में कुछ हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब चलिए सूप को ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने हरी मिर्चों को
सिरके में 2 घंटे पहले डिप कर दिया था। अगर आपने सूप के साथ फोरी सर्व करना हो तो आप हरी मिर्ची को सिरके में डालकर 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। अब जितना तीखा आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप सॉसेस को ऐड कर लें। ज़बरदस्त भाई, मेरा सूप तो बहुत टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।